आज जिला कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 12 जुलाई को हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा 12 जुलाई को सिरसा के हिसार रोड पर स्थित परल रिजॉर्ट सिकंदरपुर मोड़ के ऊपर है, वहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर विजय मिली और हर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का बहुत प्रतिशत बढ़ा है, उसी प्रकार सिरसा की लोकसभा सीट भी हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार बहन कुमारी शैलजा लगभग 3.25 लाख मतों से विजयी हुई है। उन सभी बातों के लिए जो कार्यकर्ताओं ने इतनी गर्मी में मेहनत करी, आम जनता ने जो सहयोग दिया, नेताओं ने जो मेहनत करी, उन सबका धन्यवाद करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह की तैयारियां सर चल रही हैं? इसी तैयारियों के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र के मेन कार्यकर्ता और नेताओं ने भाग लिया और सभी की ड्यूटियाँ लगाई गई कि किस प्रकार गाँव वाइज वार्ड वाइज कार्यकर्ता इस बैठक में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। आज कांग्रेस भवन में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसे गांव और शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता आज डॉक्टर केवी सिंह जी ने करी। जैसा कि मेरे से पूरा भी डॉक्टर सॉरी राजकुमार शर्मा जी ने बताया कि आने वाली 12 तारीख को जुलाई को विपक्ष के नेता हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके साथ अन्य MLA व MP सिरसा पधार रहे हैं। ये स्टेट लेवल पे निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की 9 सीटों में से 5 सीटों पे ऐतिहासिक जीत हुई और उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए ये प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उसमें ये सभी कमेटी इकट्ठे होकर जा रही है और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रही है। इसी कड़ी में सिरसा में वो 11 बजे यहाँ सम्मेलन करेंगे और उसके बाद फतेहाबाद में 3 बजे सम्मेलन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में भारतवर्ष में जिले इसके प्रदेश के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट जो कांग्रेस को मिला है अन्य पार्टियों से सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही मिला है, इसलिए और भी ये बात बढ़ जाती है कि आने वाली जो विधानसभा के चुनाव हैं उनकी तैयारी के लिए दिशा निर्देश देंगे और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें। कार्यक्रम कितने बजे रहेगा राजकुमार जी? 12 जुलाई को प्रातः 11 बजे। कितने बजे तक चलेगा? 11 जितनी देर भी कार्यकर्ता सबसे मिलेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी होगा, उसके बाद में मीडिया से भी रूबरू होंगे आप लोगों से भी, तो ये तो टाइम तो लगेगा ही। जी सर, 12 जुलाई बहुत नज़दीक आ रही है, तो प्रचार कब से स्टार्ट होगा? क्योंकि बहुत नज़दीक है, 31 गांव और 31 वार्ड, पूरे विधानसभा की जिम्मेवारी आपके कंधों पर। आप कुदरती लेट हो गए, तो बहुत बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग थी जिला परिषद, सभी ये पूरा हॉल कचा खिंच भरा हुआ, तो काफ़ी संख्या में लोग खड़े थे और लोगों में हौसला बहुत था, क्योंकि जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है उसका भी हम सभी ने मिलकर धन्यवाद किया कार्यकर्ताओं का, कि कार्यकर्ताओं के बल पे ही 3.25 लाख की संसद हमारी कुमारी बहन जी जीती हैं, तो बहुत ज़्यादा हौसला है वर्करों में और आने वाली विधानसभा इलेक्शन में सभी ये चाह रहे भी जल्दी से जल्दी ये तारीख नज़दीक आए और हम इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंक दें। 31 गांव और 31 वार्डों का क्या प्लेटफॉर्म तैयार है जी जनसंपर्क के लिए, रैली के लिए? ये तो हम सभी मिलके, जैसे आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, सिरसा में विशेषकर सिरसा के विधानसभा में हम सभी लोगों ने, वर्करों ने, छोटे हमारे जैसे नेताओं ने, सभी ने मिलकर दिन रात एक की, और ये लोगों में आमतौर पे ये दुर्भावना मैं तो कहता हूँ हमारे प्रति थी, बोले ये आपस में लड़ते हैं, ये कहाँ से जीतेंगे, सिरसा से और हल्कों से तो जीत जाएंगे, उस बात को भी हमने गलत साबित किया, जनता ने गलत साबित किया, और आगे आने वाली विधानसभा में भी इस सिरसा पे कलंक का है, यहाँ का जो एक विधायक है उस कलंक को भी मिटाने का ये जनता पूरी तरह तैयार है। सर, सक्षम युवाओं की कुछ समस्या, अगर सक्षम युवा आपको मांग पत्र सौंपना चाहे तो उनकी आप आवाज मुख्यमंत्री या DC तक पहुंचाने की? इसी बात को लेके
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट दिल्ली में आज संसद का युवा कांग्रेस की तरफ से भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से घिराव है। आज सभी युवा साथी वहां गए हुए हैं, तो आप सोचिए वो किसको इस बात को लेके जो नीट की परीक्षा हुई है पीछे और किस तरह इस युवाओं के साथ धोखा किया गया है। आप समझिए भी 30-30 लाख रुपए में एक पेपर बेच के अगर वो पैसे दे के जो नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बनेगा तो कैसा डॉक्टर बनेगा। और उसी बात को लेके आज पार्लियामेंट का घेराव है भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से।